उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ऐलान किया है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 दिन में पूरी हो जाएंगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 28 फरवरी और इंटर की परीक्षाएं 2 मार्च तक चलेंगी। दोनों परीक्षाओं के परिणाम भी 30 अप्रैल को घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन इस नेक इरादे पर संकट के बादल इस ऐलान के बाद से ही मंडराने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के 2314 राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के 1370 और एलटी ग्रेड शिक्षकों के 8400 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसी प्रकार 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1570 तो वहीं प्रवक्ता के 6600 और एलटी ग्रेड शिक्षकों के 21000 से अधिक पद खाली हैं। ऐसे में जल्दबाजी का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ने अक्टूबर तक राहत मिलने की बात कही है। तो ये माध्यमिक जो अनुदानित कॉलेज चलते हैं उनके 10768 पद जो है सहायक अध्यापक के और 3794 हमने इनके प्रवक्ता के पद इन इंटर कॉलेज में हमने राजकीय कॉलेज में हमने किया है और मैं समझता हूँ अक्टूबर माह में ही हमारे वो शिक्षक के खाली पद आ जाएंगे। रिक्त पदों की संपूर्ति हम परमानेंट टीचर से करने जा रहे हैं, कई हजार टीचर हम। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नवंबर से 7 फरवरी तक के बीच में विभिन्न त्योहारों की छुट्टियां व शीतकालीन अवकाश रहेगा। ऐसे में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो चला है। नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा। शिक्षक नहीं है, विज्ञान के शिक्षक नहीं है, गणित के शिक्षक नहीं है और शिक्षक के बगैर कौन पढ़ाता होगा इन स्कूलों में। अरे 21000 पद खाली पड़े हैं जहां टीचर ही नहीं है स्कूलों में। तो देश के भविष्य के साथ इस तरीके से प्रदेश सरकार को मजाक नहीं करना चाहिए और इसमें तुरंत तुरंत रिक्त जो स्थान है इनको भरना चाहिए। राज्य सरकार परीक्षा परिणाम में निजी विद्यालयों के मुकाबले की तैयारी कर रही है, मगर इसमें उनसे पार पाना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद है शिक्षा विभाग आने वाले दिनों में शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं का हल निकाल पाएगा। हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं 16 दिन में पूरी करने के ऐलान पर संकट के बादल मंडराने लगे। ऐसे में देखना होगा कि अक्टूबर तक की तय समय सीमा के भीतर राज्य सरकार शिक्षकों की कमी को कितना जल्दी पूरा कर पाती। कैमरामैन मन्ना के साथ शुभम सुमन पांडे, APN लखनऊ।